प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे और सकुशल से रह करके अध्ययन मनन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसी आशा और विश्वास है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे बाल्यावस्था, उसका विकास, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके क्या कौन कौन से सिद्धांत हैं, नियम, इसके बारे में चर्चा हुई थी। आज हम लोग उसी के आगे, आपके ऐसे सिलेबस में तो नहीं दिया गया है, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है, वृद्धि और विकास के कुछ विशिष्ट सिद्धांत हैं जिसको इस परिप्रेक्ष्य में जानना बहुत ही उपयोगी होगा। तो आज हम लोग ऐसे ही मानव विकास के कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो मानव के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसको एक शिक्षणार्थी के रूप में आपको जानना अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग चलते हैं और इस सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास के कुछ विशिष्ट सिद्धांत। तो कुछ जिसमें आप लोग नाम जानते होंगे, लूनर, स्किनर, इरिक्सन, तो आदि, तो ये सब कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में अपने कुछ सिद्धांत बताए, जो कि मानव विकास के विभिन्न पक्षों को व्याख्यायित करता है। तो आइए हम लोग चलते हैं उन्हीं कुछ सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है जीन प्याजे, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। उनके विकास के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको अन्य कई जगहों भी देख चुके होंगे, पढ़े होंगे। बुद्धि के सिद्धांत में, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में भी चर्चा की गई थी। और चूंकि विकास के परिप्रेक्ष्य में इनका सिद्धांत है, इसलिए इसी प्रसंग में यहाँ पर भी उसकी महत्ता बढ़ जाती है और उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि जीन प्याजे ने अपने एक ये स्विट्जरलैंड के चिकित्सक थे और इन्होंने संज्ञानात्मक भी अपने व्याख्या का आधार संज्ञानात्मक विकास को बनाया और संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने संपत्ति निर्माण कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के रूप में अभिव्यक्त किया। इस तरीके से इनके संज्ञानात्मक विकास की जो चार प्रमुख अवस्थाएं हैं, जिसमें संवेदी आमक अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, मुहूर्त संक्रिया की अवस्था और लास्ट है औपचारिक संक्रिया की अवस्था है, इसे औपचारिक संक्रिया की अवस्था कहते हैं। तो इनकी इस अलग अलग अवस्थाओं में मानव विकास की कुछ अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं, कुछ अलग अलग मानसिक संक्रियाएँ जो विकसित होती हैं, उसकी बताने की कोशिश किया। इन्होंने अपने खुद के तीन बच्चे थे छोटे छोटे, उनका इन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उनके हर एक पक्ष पहलू को समझा और समझ करके उन्होंने अपने एक सिद्धांत के रूप में बात बताई, जो कि हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। और तो पहला क्या है, पहली अवस्था उन्होंने बताया था संवेदी यामक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। तो मानव विकास के में प्याजे की ये प्रथम अवस्था है और जो जन्म से लेकर के दो वर्ष तक चलती है और इसे इंद्रियों द्वारा जो प्राथमिक अनुभव प्राप्त होता है इस अवस्था में। प्याजे ने इस कार्य को इसीलिए संवेदी पेशी अवस्था कहा है और प्याजे के अनुसार जन्म से दो वर्ष तक का बालक संज्ञानात्मक विकास की कुछ प्रक्रियाएं हैं जो करता है, जैसे क्या है, सहज क्रियाओं की अवस्था।
इसमें बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लगभग 30 दिनों तक जो उसकी क्रियाएं होती हैं कि कोई भी चीज़ होगा तो वो मुँह में डाल के उसको चूसने लगता है, एकमात्र ही प्रक्रिया होती है जिसे उन्होंने सहज क्रिया बोला। और ये 30 दिन तक चलती है और इस अवस्था में कोई केवल वह सहज क्रियाएँ ही बालक करता है। और क्रियाओं को इसमें क्या आता है, किसी भी चीज़ को कोई भी आप देखे होंगे तो कोई भी चीज़ होगी मुँह में डाल के उसको चूस नहीं होता, तो सहज क्रियाएँ करता है। अन्य बातें क्या है, प्रमुख वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था, इसमें क्या करता है बालक, या अगर देखें तो 30 दिन या 1 माह से लेकर के 4 माह तक का बालक इन प्रक्रियाएँ इस तरह की प्रक्रियाएँ करता है। इसे प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था जिन पे आज ने कहा था। और इसमें बच्चे की जो सहज क्रियाएं होती हैं उस सीमा तक उनकी अनुभूतियों में परिवर्तित होने लगती हैं और इस तरीके से देखें तो दोहराई जाती हैं और एक दूसरे के साथ संबंधित होती हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। और इन क्रियाओं को इसलिए प्रमुख कहा जाता है क्योंकि ये बच्चों के शरीर की प्रमुख अनुक्रियाएँ हैं और इन्हें वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें बच्चे बार बार करते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चे इन्हें क्या करते हैं, बार बार करते हैं। तो इस अवस्था के बच्चे अपने अनुभवों को, जो उनके अनुभव होते हैं, उसको बिना किसी भय के अभिव्यक्त करते हैं। कोई भय नहीं होता, वो बिना भय के ही अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए इसे इन्होंने क्या प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। फिर इसी में अगली बात नहीं होता, गौड़ वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था, ये तो प्रमुख हो गई। कुछ ऐसी होती हैं जो गौड़ होती हैं, जो प्रमुख नहीं होती हैं। यह इस तरह की प्रक्रियाएँ 6 महीने 4 महीने से लेकर के 6 महीने तक या 6 माह की अवस्था तक में इस तरह की क्रियाएँ देखी जाती हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने लगते हैं और उन्हें इधर उधर करने की अनुक्रियाएँ करते हैं और साथ ही कुछ ऐसी अनुक्रियाएँ करते हैं जिनसे उनको सुख मिलता है। 6 माह का बच्चा होते होते बच्चे देखी गई वस्तु के अभाव में भी उसे होने की या जानने लगते हैं कि वो प्रत्यक्ष न होते हुए भी वो है उसका विद्यमान। जिस तरह से कुछ गौड़ वृत्ति अनुक्रियाएँ हैं जिसको बच्चे 4 से 6 माह के अवस्था के दौरान करते हैं। गौड़ स्कीमा समन्वय की अवस्था, इसमें इन्होंने क्या कहा, यह अवस्था लगभग 8 वर्ष से प्रारंभ होकर के 12 माह तक चलते हैं। इस अवस्था में बच्चे का उद्देश्य यह होता है कि उसको प्राप्त करने के वह साधन के साधन में अंतर करने लगते हैं और साथ ही गौड़ों की क्रियाओं का ये अनुकरण भी करने लगते हैं, उनका अनुगमन करने लगते हैं। और इस अवस्था में बच्चों को स्कीमा अर्थात इसको क्या कहते हैं, व्यवहारों के संगठित पैटर्न से सीखते हैं और उनका सामान्यकरण भी करने लगते हैं जब वो 8 से 12 महीने की अवस्था में होते हैं। तृतीय अनुक्रिया की अवस्था, इसमें क्या है कि अवस्था 12 माह से 18 महीने तक चलती है और इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीख करके उसको ग्रहण करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो मानसिक संवेगों द्वारा नए साधनों की खोज उसके बाद हुई, इन मानसिक संवेगों द्वारा कुछ ऐसे साधनों की खोज करने लगते हैं। तो यह लगभग 18 महीने से प्रारंभ होकर के 24 महीने तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे जो देखी गई वस्तु है उनकी अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। इस तरह से उनमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है जब वे लगभग 2 वर्ष के हो जाते हैं। फिर दूसरी अवस्था इन्होंने बताया प्राग संक्रिया की अवस्था, प्राग संक्रिया की अवस्था है, इसे पूर्व संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं या इसे स्थूल संक्रिया ठोस संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। तो स्थूल संक्रिया की अवस्था कहते हैं, तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से अगर देखें तो यह अवस्था 2 साल से प्रारंभ होकर के 7 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था को प्याजे ने पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया है, जिसको प्राग
प्राग संक्रियात्मक अवस्था और दूसरा अंत प्रज्ञ का या इसे अंतर्दर्शी अवस्था के नाम से भी बताएं। प्राग संप्रत्यात्मक अवधि या 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक की आयु तक चलती है और इस अवस्था में बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों में और उनमें क्या संबंध है उनको स्थापित करने लगते हैं और वह सब प्रायः अनुकरण एवं खेल द्वारा सीखते हैं। कैसे खेलते हैं? अनुकरण के द्वारा और खेल द्वारा सीखते हैं। ऐसे उन्होंने जीववाद की संख्या दी और 4 वर्ष की अवस्था तक बच्चे में सभी निर्जीव वस्तुओं को वह सजीव समझते हैं। जो भी चीज़ें हैं सबको सजीव समझते हैं। आप देखे होंगे पंखा चल रहा है, जो भी चलती फिरती चीज़ें हैं सब सजीव। टेबल है उसको भी चोट लग गई, रोने लगा, तो ऐसी सारी प्रक्रियाएँ वो करते हैं बच्चे। तो कहने का भी प्राय है कि सब जीव समझते हैं, सब में जीव है ऐसा वो समझते हैं। तो इसे जीववाद भी कहा, जीव लाजे में जीववाद की संख्या भी थी। तो इस अवस्था में होने वाली जो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी विशेषता यह है कि बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। गलत है कि वह कहेंगे नहीं है, सही है। इसीलिए देखेंगे अक्सर देखा जाता है कि बच्चे की साय में बहुत जिद्दी होती है, क्योंकि वो जो भी बात करें वो सोचते हैं गलत नहीं, सब सही, चाहे जो भी करने योग्य हो या न करने योग्य हो, चाहे संभव हो या असंभव। और वो कुछ ऐसा समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं की है या उनके पास आसपास की है, जो भी चीज़ें हैं सब उन्हीं की है, दूसरे का कुछ नहीं है। ऐसे याजे ने क्या कहा था? आत्मकेंद्रिता कहा था। तो आत्मकेंद्रिता की संज्ञा दे दी, अर्थात इस अवस्था में बच्चे आत्मकेंद्रित तक ही सीमित रहते हैं, यानी अपने तक ही सीमित रहते हैं। जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब उन्हीं की हैं, और ये पूरी दुनिया ही अगर ऐसे कहें तो उन्हीं का है ऐसा वो समझते हैं। इसे आत्मकेंद्रिता की अवस्था कहते हैं, अर्थात 2 से 4 वर्ष तक की समय जो होता है इसमें बच्चे आत्मकेंद्रित रहते हैं, अपने तक ही सीमित रहते हैं। फिर दूसरी अवस्था को इन्होंने अपने इसमें अंतर्दर्शी अंत प्रज्ञा अवस्था का, जो 4 वर्ष से प्रारंभ होकर के 7 वर्ष तक की आयु तक चलती रहती है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगते हैं और चिंतन एवं तर्क करने लगते हैं, परंतु उनके चिंतन और तर्क में क्रमबद्धता नहीं होती। चिंतन एवं तर्क तो करने लगते हैं लेकिन उसमें क्रमबद्धता नहीं होती है। जैसे अगर हम देखें तो गणितीय संक्रिया में अगर बच्चे 2 × 2 = 4 यह समझ लेते हैं, लेकिन उनकी यह समझ नहीं आता कि 4 = 2 × 2 होता है, या 4 में हम अगर 2 का भाग करेंगे तो उसका उत्तर 2 ही आए, कैसे हुआ या नहीं समझ पाते हैं। तो इस तरीके से उनमें जो चिंतन और मनन होता है वो क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध नहीं होता है। और 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त संप्रत्यात्मक या मूर्त संप्रत्यों के संबंध के साथ साथ अमूर्त संप्रत्यों का निर्माण भी होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरीके से इस अवस्था में बच्चों में जीववाद, आत्मकेंद्रिता जैसी बातें जन्म लेती हैं, इनका विकास होता है। फिर तीसरी अवस्था जीन का जनता मूर्त संक्रिया की अवस्था या ऐसे ठोस संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रिया की अवस्था प्याजे के अनुसार यह अवस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होती है और 11 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था को मूर्त संक्रिया की अवस्था उन्होंने कहा। इस अवस्था के बच्चे अधिक व्यवहारिक होते हैं एवं यथार्थवादी होते हैं, यथार्थवादी और व्यवहारिक होते हैं। और इस अवस्था में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है बच्चों में, तर्क एवं समस्या समाधान में करना प्रारंभ कर देते हैं। और इस तरह से परंतु वह मूर्त समाधान तो ढूंढते हैं, जो ऐसी वस्तु जो मूर्त हैं जो उनके सामने उपस्थित हैं उनका समाधान तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो अमूर्त समस्याएं हैं अमूर्त वस्तुओं के विषय में
वह ऐसी समस्याओं को समाधान करने में कठिनाई महसूस करते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों को उनके वस्तुओं के गुणों के आधार पर क्रमबद्ध करने लगते हैं और वर्गीकृत करने लगते हैं, परंतु इस अवस्था के बच्चे में चिंतन क्रमबद्धता नहीं है, यानी उनमें चिंतन जो होता है क्रमबद्ध नहीं होता बल्कि अक्रमबद्ध होता है। फिर चौथी और लास्ट अवस्था उन्होंने जिंदा जनगत है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था या लगभग 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर के और 15 वर्ष तक या कहीं कहीं खींचता हूँ 16 वर्ष तक 17 वर्ष तक भी दिया है तो चलती है। और 12 वर्ष के होते होते बच्चों का मस्तिष्क धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है, मच्योर होने लगता है और उनका चिंतन क्रमबद्धता की ओर बढ़ने लगता है, जो कि इसकी पूर्व की अवस्था में जो चिंतन अंतर था उनका क्रमबद्धता यहाँ पर आकर के धीरे धीरे उनमें क्रमबद्धता आने लगती है और अमूर्त वस्तु या अमूर्त जो समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढने के योग्य होने लगते हैं धीरे धीरे, और उनका समाधान वह ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, उनके अनुभव बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती जाती है। और इसे प्याजे ने इस औपचारिक चिंतन की अवस्था का या औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन की संज्ञा के नाम से भी बताया। प्याजे के अनुसार इस आयु में बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, कल्पनाओं, रूपकों, मानों, व्याख्या, निष्कर्ष, निर्णय ये सारी चीज़ें करने लगते हैं और अमूर्त प्रत्ययों के निर्माण में वे काफ़ी तेज कल्पनाएं करने लगते हैं। प्याजे के अनुसार संप्रत्यात्मक निर्माण किया क्रिया मनुष्य के जीवन में अनवरत रूप से लगातार चलती रहती है, और परंतु इस प्रकार इस स्तर की उनकी शिक्षा एवं अनुभव में निर्भर करता है कि किस प्रकार से उनका शिक्षण कार्य उनको किया गया है। ये चीज़ें कुछ ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव डालती। तो ये प्रमुख रूप से मुख्य मुख्य बातें थी जो जी प्याजे ने बालक के संवेगात्मक अरे संप्रत्यात्मक या विकासात्मक वृद्धि के बारे में अपने सिद्धांत में बताया था कि कौन कौन सी मानसिक संक्रियाएँ संज्ञानात्मक संक्रियाएँ बच्चे किस आयु में करते हैं, तो किस आयु में कौन सी संज्ञानात्मक संक्रियाएँ विकसित होती हैं बालक करने लगता है, इसके आधार पर इन्होंने चार अवस्थाओं में बांटा और क्या क्या बातें बताई इसका हमने प्रमुख रूप से मुख्य मुख्य बिंदु पर चर्चा की। आइए हम लोग एक दूसरे विकास के सिद्धांत पर चलते हैं जिसे ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ब्रूनर कौन थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बालक का मानसिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। कैसी है? सिक्वेंशियली प्रोसेस है। और ब्रूनर की दृष्टि से बालक की मानसिक विकास का एक क्रम होता है, एक क्रम में ही उसका विकास होता है, और बालक के मानसिक विकास की इस क्रम को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने इसकी तीन अवस्थाओं में विभाजित किया था मानव विकास को, जिसमें पहला क्या है संक्रियात्मक अवस्था, दृश्य प्रतिमा की अवस्था और सांकेतिक अवस्था। संक्रिया की अवस्था क्या है? संक्रिया की अवस्था में या नेटिव स्टेज में जन्म से या 18 माह तक यानी 0 से 1.5 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा यानी जिसमें शब्द नहीं होते हैं निःशब्द क्रियाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे भूख की अनुभूति होने पर बच्चे रोने लगना, चिल्लाने लगना, भोजन को देख करके उसकी तरफ इशारा करना या वहाँ तक जाके पहुँच जाना, ये चीज़ें करके वो अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं।
और इन क्रियाओं द्वारा बच्चे अपने पर्यावरण से संबंध भी स्थापित करते हैं। तीस अवस्था को इन्होंने संक्रिया की अवस्था, संक्रिया की अवस्था या इनएक्टिव स्टेज का। दूसरा दृश्य प्रतिमा अवस्था, दूसरा इन्होंने क्या कहा, दृश्य प्रतिमा अवस्था है ना, आइकोनिक स्टेज। तो दृश्य प्रतिमा स्टेज क्या है, इसमें क्या करता है बच्चा, ये 18 माह से प्रारंभ करके और 24 माह तक की अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को मस्तिष्क में कुछ दृश्य या कुछ उसका फोटो बनाने लगते हैं और सारी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में एक विचार में बांध देते हैं। इसीलिए इसको इन्होंने दृश्य प्रतिमा की अवस्था कहा। और उस जो भी बच्चे एक बार देख लेते हैं उसको अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं, दोबारा देखने पर वो उस चीज़ को पहचान जाते हैं। इसलिए इसको इन्होंने दृश्य प्रतिमा की अवस्था कहा। दूसरी अवस्था, तीसरा सांकेतिक अवस्था, यह अवस्था 7 वर्ष या उससे आगे, यानी इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से, अब धीरे धीरे भाषा का विकास हो जाता है, उनकी भाषा बोलने लगते हैं, समझने लगते हैं और इस तरह से अपने जो अनुभव होते हैं, अपनी जो बातें होती हैं, अपनी जो समस्याएं होती हैं या अपनी बात को दूसरों तक पहचाने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं। तो शब्द में कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ अक्षर होते हैं, कुछ संकेत होते हैं जिसके माध्यम से वह अपनी बात को श्रोताओं तक या दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो यह इस अवस्था में बच्चे की अनुभूतियाँ हमें भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं और वे प्रतीकों का उनके मूल विकल्पों के संबंध में स्थापित करने लगते हैं। तो एक तरीके से प्रतीक होते हैं जिनका वो अपने मस्तिष्क में फोटो खींच लेते हैं। इस तरह से ग्रूनर संगमाना अभिन्यास की अवस्था बताई, इसमें संक्रिया की अवस्था, दृश्य प्रतिमा की अवस्था और संकेतिक अवस्था, इन तीन स्तरों में उन्होंने विभाजित करके बालक के विकास को प्रदर्शित किया। तीसरा सिद्धांत है इरिक्सन का सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसका इरिक्सन का सामाजिक विकास का सिद्धांत। ये मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी होता है। जैसे जैसे बच्चे का सामाजिक विकास बढ़ता जाता है ठीक उसी रेशियो में या उसी अनुपात में उसका सामाजिक विकास भी आगे बढ़ता जाता है। इसलिए उन्होंने इन दोनों को एक साथ मनोसामाजिक विकास के रूप में व्याख्या किया, मन और समाज या मानसिक और सामाजिक के रूप में उन्होंने व्यक्त किया। एरिक्सन ने मानव के मनोसामाजिक विकास की इस तरीके से हम देखें तो 8 मनोसामाजिक अवस्था में विभाजित किया। कौन कौन सी 8 मनोसामाजिक अवस्थाएँ हैं इसका हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो पहली प्रथम अवस्था जो जन्म से 1 वर्ष तक चलती है, इसे उन्होंने प्रथम अवस्था कहा। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे के 2 मनोसामाजिक संकट प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जैसे विश्वास और अविश्वास। वो किसी में कभी चीज़ में विश्वास करते हैं, कभी अविश्वासी होते हैं। उनका सामाजिक दायरा अगर देखें तो सिर्फ माता और पिता तक ही सीमित रहता है, ऐसे लोगों तक ही सीमित रहता है जो ज़्यादा उनके संपर्क में रहते हैं या ज़्यादा उनके साथ रहते हैं। तो प्राय माता ही हमेशा ऐसी होती है जो बच्चों के संपर्क में ज़्यादा रहती है, बच्चों के साथ में ज़्यादा रहती है, तो बच्चों का माता के प्रति बहुत विश्वास होता है। और इस समय उनमें 2 मनोसामाजिक रूप उत्पन्न होते हैं, एक किसी चीज़ को पाने की और दूसरी बदले में कुछ थे। और इस सबसे उसमें प्रेरक और आशा का विकास होता है, इसका प्रेरक और आशा का विकास होता है। इन दोनों संस्कृतियों का विकास इस अवस्था में यानी जीवन से 2 वर्ष तक तो दोस्तों बच्चों में हो जाता है। द्वितीय अवस्था को इन्होंने इस अवस्था में बच्चों में 2 मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से, स्वतंत्रता और बनाम असतंत्रता है संकोच। इसमें सामाजिक दायरा माता पिता तक ही इसमें भी सीमित होता है,
और इस समय बच्चों में दो मनोसामाजिक रूप उत्पन्न होते हैं, एक पाने की इच्छा और छोड़ने की इच्छा, पाने की इच्छा और छोड़ने की इच्छा। इस समय उसमें सबसे आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति का विकास होता है, आत्मनियंत्रण एवं दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास इस अवस्था बच्चों में होता है। तीसरी अवस्था को उन्होंने 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक बताया, जो इस अवस्था में बच्चों में दो मानव सामाजिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं, कौन कौन, पहल बनाम अपराध, पहल बनाम अपराध, और उसका सामाजिक दायरा बढ़ करके जो माता पिता तक इसके पूर्व में सीमित था और उसके पूरे परिवार के सदस्य हो जाते हैं। इस अवस्था में उनमें दो मनोसामाजिक जो रूप उत्पन्न होते हैं कौन कौन है, बनाना बनाम खेल, किसी चीज़ को बनाना और उसको खेल के रूप में परिवर्तित करना। तो इस सबसे उनमें दो मनोसामाजिक गुणों का विकास होता है, एक दिशा निर्देशक और दूसरा उद्देश्य, दिशा निर्देशक और दूसरा उद्देश्य। चतुर्थ अवस्था को उन्होंने 6 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष की आयु तक की चतुर्थ अवस्था में बताया। इस अवस्था में दो मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं, परिश्रम और हीनता, परिश्रम और हीनता, और उसके सामाजिक क्षेत्र में अब उछला पड़ जाता है और जो परिवार तक सीमित था वो आस पास पड़ोस और स्कूल भी आ जाता है। और इस समय इसमें दो मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होते हैं, कौन कौन, वस्तुओं का अकेले निर्माण करना और वस्तुओं का मिलजुल करके निर्माण करना, किसी वस्तु को अकेले ही निर्माण करना तथा दूसरों के सहयोग से भी वस्तुओं का निर्माण करना। इस सबसे इसमें दो मनोसामाजिक गुणों का विकास होता है, एक विधि और दूसरा दक्षता, एक विधि और दूसरा दक्षता। और अगला है पंचम अवस्था, पांचवी अवस्था के इन्होंने किशोरावस्था का, जो बच्चे में दो मनोसामाजिक इसमें भी उत्पन्न होते हैं संकट, जैसे अपनी अलग पहचान एवं प्रतिष्ठा, पहचान एवं प्रतिष्ठा, अपने इस समय उसके सामाजिक दायरे में समूह भी आ जाता है, एक समूह दूसरे समूह में शामिल होते हैं और नेतृत्व के नए समूह में शामिल भी हो जाते हैं। इस समय उनमें 2 तरह के मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होते हैं, अपने आप में बनाना और अपने आप को बनाने में सहयोग करना, तथा इसमें दो सामाजिक गुणों का विकास होता है, एक भक्ति और दूसरा ईमानदारी, भक्ति और ईमानदारी। और इसके बाद 6वीं अवस्था प्रारंभ होती है, इसे प्रौढ़ या पूर्व प्रौढ़ावस्था भी कहा, पूर्व प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में मनुष्य में दो सामाजिक मनोसामाजिक संकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं कौन कौन, मैत्री घनिष्ठता एवं रुचियों की घनिष्ठता, और दूसरा है पृथकता या उससे अलगाव। तो इस समय उनके मनोसामाजिक दायरे में मित्रों का बनना आ जाता है, लिंग आधारित संबंध स्थापित करने लगते हैं, प्रतियोगिता और सहयोग में भाग लेने लगते हैं। इस समय उनमें दो मनोसामाजिक रूप उत्पन्न होते हैं, एक होना और दूसरा दूसरों में अपने को देखना, एक होना और दूसरा दूसरे में अपने को देखना। इस सबसे इसमें दो मनोसामाजिक गुणों का विकास होता है, संबंध और प्रेम, संबंध और प्रेम। अब 6ठी अवस्था है, अरे सारी 7वीं अवस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था फिर मध्य प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में मनुष्य में दो सामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं, कौन कौन, संतान उत्पत्ति करने वाली क्षमता तथा आत्मलीनता। इस समय वह समाज में हाथ बटाता है और गृह कार्यों में भी हाथ बटाता है, सामाजिक कार्यों में हाथ बटाता है। इस समय उसे अपने आप को बनाने और दूसरे की देखभाल करने का अवसर मिलता है और वह संतान उत्पत्ति करता है, संतान का पालन पोषण करता है और उनमें देखभाल करने का गुण विकसित करने लगता है। इसे मध्य प्रौढ़ावस्था कहा इरिक्सन। अगला है 8वीं और अंतिम अवस्था उत्तर प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में मनुष्य में जो सामाजिक संकट उत्पन्न होते हैं वह पूर्णता और निराशा,
पूर्णता और निराशा, ये दो चीज़ें उनमें उत्पन्न होती हैं। मनुष्य का विकास इस समय इसमें दो मनोसामाजिक गुणों विकसित होते हैं, एक बनाना, दूसरा न बन पाने के कारण निराशा। तो इन सबसे उनमें दो गुणों का विकास होता है, एक त्याग और दूसरा बौद्धिक योग्यता, त्याग और दूसरा बौद्धिक योग्यता। इस तरह से एरिक्सन के जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उसमें जो प्रमुख बातें उन्होंने बताई कि मानसिक विकास के साथ साथ किस प्रकार से बच्चे का सामाजिक विकास भी उसी अनुपात में होता जाता है। तो इसीलिए उन्होंने अपने इस सामाजिक को, अपने सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहा, जिसमें मानसिक के साथ साथ सामाजिक बातें भी आ जाती हैं। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है इस परिपेक्ष में वो है प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत, प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये जैसा कि पहले ही बताया कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और दूसरा नैतिक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का भी विकास किया था। उसने मनुष्य के नैतिक विकास को उसके संज्ञानात्मक विकास के आधार पर स्पष्ट करने की कोशिश की थी और उनके अनुसार जैसे जैसे मनुष्य का संज्ञानात्मक विकास एक स्तर से दूसरे स्तर पर लगातार बढ़ता जाता है वैसे वैसे नैतिक तर्कना का विकास या नैतिक तर्क का विकास भी बच्चों में होता जाता है और उसके अनुकूल उसका नैतिक विकास भी होता रहता है और बालक में वह नैतिक विकास एक तरीके से दो चरणों में होता है। पहला क्या है, नैतिक बंधन युक्त चरण और दूसरा है स्वायत्तता चरण। एक बंधन चरण, दूसरा स्वायत्तता है स्वतंत्र चरण। यहाँ पे हम दोनों के बारे में बताएंगे। पहले क्या है, नैतिकता बंधन युक्त चरण है जिसमें नैतिक रूप से जो बंधन होता है, जो दबाव होता है, अनुशासन होता है, उसके अनुसार वह नैतिकता करता है, नैतिक बातें सीखता है और या 5 वर्ष से प्रारंभ होकर के 10 वर्ष की आयु तक इस तरह से बातें देखी जाती हैं बालक में। और इस अवस्था में बालक माता पिता शिक्षक द्वारा जो बताई गई बातें हैं उसका वह अक्षरशः पालन करते हैं और वह माता पिता तथा अध्यापकों द्वारा बताई गई बातों का पालन न करने पर उनको दंडित भी किया जाता है, उनको दंड भी दिया जाता है और यह बात वो जानते हैं इसलिए इन सब की आज्ञाओं का पालन वह दबाव बस करते हैं। तो और नियमों का सख्ती से पालन भी करवाया जाता है और यहाँ तक कि खेल खेल में भी नियमों में अपरिवर्तनशील मानकर उनकी सख्ती से पालन करता है। साथ ही नियम तोड़ने वाले को दंड के पक्षधर भी रहते हैं। इस अवस्था में बालक यह नहीं भेद कर पाता है कि नियम जानबूझकर तोड़े गए हैं अथवा अनजाने में गलती हुई है। तो उसकी दृष्टि में दोनों परिस्थितियों में समान दंड होने चाहिए तथा बड़ी गलती की सजा एक बड़े दंड के रूप में होना चाहिए। तो इसे नैतिकता बंधन युक्त कहा गया। दूसरा है नैतिकता का स्वतंत्र चरण, यह लगभग 10 वर्ष से प्रारंभ होकर के 10 से 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के हो जाती है। इस अवस्था में बालक यह समझने लगता है, यह बात उसके समझ में आ जाती है कि नियम व्यक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं अतः यह परिवर्तनशील है। वह खेल में भी खेल के नियमों में अपनी आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन कर लेता है तथा इस अवस्था में बालक जानबूझकर की गई गलती तथा अनजाने में की गई गलती में अंतर करने लगता है और साथ ही जानबूझकर गलती करने वाले को अधिक दंड देने के पक्षधर रहते हैं और उन्हें यह भी समझदारी आ जाती है कि जानबूझकर की गई गलती की सजा अनजाने में बड़ी गलती की तुलना में अधिक होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे वह नैतिकता को एक तरीके से रूप से रह करके पालन करना सीख जाता है। अगला कोहलबर्ग, अगला और लास्ट है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, इसमें इन्होंने क्या बताया कि इनका जो चिंतन का आधार है वह नैतिक मूल्य है और नैतिक मूल्य कुछ ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, जो कभी नहीं बदलते, हर परिस्थितियों में वैसे रूप में होते हैं। तो
इन्होंने अपने अध्ययन पे यह पाया कि मानव के नैतिक विकास के तरीके से तीन स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर की दो दो उप अवस्थाएँ भी होती हैं तथा उनका उन्होंने किस प्रकार से क्या क्या बातें बताई, आइए हम लोग उस पर समझते हैं, बात करते हैं। प्रथम अवस्था को इन्होंने 4 से 10 वर्ष की आयु तक को प्रथम स्तर में विभाजित किया और इसमें इन्होंने दो चीज़ें हैं। प्रथम अवस्था में बच्चे नियमों का पालन किसके लिए करते हैं, दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। द्वितीय अवस्था में बच्चों का व्यवहार कृत्रिम आनंदवाद पर आधारित होता है और वह नियमों का पालन पारितोषिक प्राप्त करने, इनाम प्राप्त करने, पुरस्कार प्राप्त करने एवं दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करते हैं। फिर द्वितीय स्तर नैतिक विकास का द्वितीय स्तर क्या है, इसमें लौकिक कर्तव्य अनुरूप नैतिकता, इसे लैंगिक कर्तव्य अनुरूप नैतिकता कहा, जो 10 वर्ष से 13 वर्ष की आयु तक उन्होंने इसमें रखा और इस अवस्था में बच्चे में लौकिक नैतिकता का विकास होता है, लौकिक नैतिकता का विकास होता है और वह दूसरों की दृष्टि में अच्छा व्यक्ति बनना एवं दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए लौकिक नियमों का पालन करते हैं और ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिनके कारण जो दूसरे होते हैं, अन्य लोग होते हैं, उनसे द्वारा पसंद ना किए जाए, तो इस प्रकार से कार्य वह नहीं करते हैं, ऐसा कार्य करने से अपने आप को बचाते हैं। फिर तीसरा स्तर होता है स्वयं द्वारा स्वीकृत नैतिक सिद्धांत, जो कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चे स्वयं विकसित करते हैं और इसको स्वनैतिक विकास का सिद्धांत आ जाता है इसके अंतर्गत। ऐसे स्तर यह 13 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होता है और पंचम अवस्था में बच्चे दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयत्न करते हैं और समुदाय के हित में कार्य करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार से समुदाय का हित हो, समुदाय का विकास हो, समुदाय में कोई ऐसी बातें ना फैले जिससे समाज में उनका हित हो जाए। तो नैतिक विकास की जो अंतिम अवस्था है, छठी अवस्था, इस अवस्था में मनुष्य में आत्मचेतना द्वारा जो स्वीकृत सिद्धांत है और सम्मानीय व्यक्तियों को सम्मान देते हैं, वह अमूर्त चिंतन करते हैं और नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिनके कारण स्वयं वह तिरस्कृत हों। यह नैतिक विकास की उच्चतम अवस्था है। क्या है नैतिक विकास की उच्चतम अवस्था? और इस अवस्था तक कठिनता से 10% व्यक्ति ही पहुँच पाते हैं, यानी यहाँ तक लगभग 10% व्यक्ति ही पहुँच पाते हैं, इसीलिए इसे नैतिकता की कठिनता अवस्था भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने प्रमुख रूप से कौन कौन से मानव के विकास के, बालक के विकास के सिद्धांत थे जिसमें जो प्रमुख बिंदुएँ थी, जो प्रमुख बातें थी, उस पर चर्चा की है। हम लोग अगले या नेक्स्ट वीडियो में स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या मानव विकास की जो अवस्थाएं उस पर चर्चा करेंगे, तो उस पर चर्चा होगी विस्तार से। तो हमें आशा करते हैं कि आप लोग ये बातें संक्षेप में बताएंगे, उसको समझे होंगे और सुने होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसी तरीके से अपना धैर्य सहयोग बनाते रहिए और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको धैर्यपूर्वक सुनें और उससे लाभ उठाएं, और तो अच्छा रहेगा, इससे हमें भी कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा और आप लोगों के लिए भी हित करो। ठीक है, आज हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन हम अगले नए टॉपिक के साथ की बालक के विकास की अवस्था पर चर्चा होगी जो कि सिलेबस में आपके दिया गया है। तो तब तक के लिए हम बात को यहीं तक रखते हैं।
पहले ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद।